बारिश हमें भिगा सकती है, बारिश हमें डिगा नहीं सकती है। संकल्प के साथ कि 2024 के चुनाव में इस अत्याचारी सरकार को जड़ मूल से उखाड़ करके बंगाल के खाड़ी में फेंक देंगे। इस बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रेमी सरकार को, बांग्लादेश के घुसपैठियों से प्रेम करने वाली सरकार को बंगाल की खाड़ी में भेजने के लिए दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ कहें जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की। आदरणीय आज के सभा में हमारे सांसद परम आदरणीय डोलू महतो जी, अपने बिहार के मंत्री और हमारे क्लस्टर के प्रभारी श्रीमान नितिन नवीन जी, अपने बगल बोकारो के विधायक प्रत्याशी और अभी विधानसभा में मुख्य सचेतक रहे श्रीमान बिरिंची नारायण जी, अपने राज्यसभा के सांसद और प्रदेश के महामंत्री श्रीमान प्रदीप वर्मा जी, कालटूदा पुरिया के आप विधायक हैं, भाई विवेकानंद जी, भाई अपने पाड़ा के विधायक जी ज्योतिर्मय महतो जी, अभी दिन को आपने सुना, और मंच पर बैठे सभी प्रबोधगण, जिला अध्यक्ष जी और सभी पांच पांडव पांच मंडल के अध्यक्ष चरण जी और सभी लोगों को मेरा अभिनंदन, नमस्कार, आप सबको जोहार। चंदन क्यारी में चुनाव का आगाज हो चुका है, लोग पूछ रहे हैं, माफी के साथ थोड़ा दूर, लोग पूछ रहे हैं कि चंदन क्यारी में हैट्रिक लगेगा क्या। मैंने कहा चंदन क्यारी इतिहास लिखने वाला है, चंदन क्यारी ने जब जब इतिहास लिखा है और झारखंड ने देखा है, चंदन क्यारी में पहली बार लगातार दो बार विधायक भी बनाए हैं, भाई तीसरी बार भी, हम लोग भी हैं पीछे, चंदन क्यारी में जीत की हैट्रिक लगेगी और उसी के साथ एक हार की भी हैट्रिक लगेगी, यह गारंटी के साथ चंदन क्यारी लगेगी। आज इंडिया अलायंस का प्रत्याशी कहता है कि चंदन क्यारी में मोदी योगी नहीं चलेगा, चंदन क्यारी में मोदी योगी नहीं चलेगा। भाई ये पाकिस्तान वाले को कहते हैं तो समझ में आता है, बांग्लादेश वाले कहते हैं तो समझ में आता है, लेकिन चंदन क्यारी में अगर कोई, चंदन क्यारी के भूख में बैठा हुआ कोई व्यक्ति अगर चंदन क्यारी के धरती पुत्र को, राम भक्तों को, चंदन क्यारी के भैरव बाबा के बच्चों को यह ललकारता है कि चंदन क्यारी में मोदी योगी नहीं चलेगा, तो उनको बता देना है कि घुसपैठियों के प्रेम में इतने पागल मत हो जाओ कि उन घुसपैठियों के साथ तुमको भी गद्दार के रूप में वो बांग्लादेश भेज दिया जाए। कहता है कि चंदन क्यारी में रावण मत होगा, जिस पार्टी को राम के नाम से इतनी चिढ़ होती है कि राम का नाम लेने से ही उनके अकड़ी पकड़ी ढीले होने लगते हैं, जिनको राम के जयकारे से भी, जिनको जो है परहेज होता है, जिन्होंने राम को, अपने श्री राम को 500 सालों तक एक टूटे फूटे टेंट पे रहने का जिन्होंने विवश किया है, वो कहता है कि रावण वध करेंगे, रावण वध करेंगे। रावण कौन है पहले समझ लो, रावण कौन है? रावण भी बहुत बड़ा महात्मा था, रावण भी बहुत बड़ा पंडित था, पंडित और ज्ञान में उसका कोई सानी नहीं था, लेकिन रावण में एक ही कमी थी, वो थी अहंकार। रावण का अहंकार ने उसे पराजित किया और आपके अहंकार को फिर चंदन क्यारी पराजित करेगी। चंदन क्यारी ने आपको मौका दिया था, एक ही बार में आपने वो मौका गवा दिया, दो बार लगातार आपका अहंकार चूर किया है, तीसरी बार आपके साथ साथ इस झारखंड के, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन के अहंकार को भी चंदन क्यारी पट्टी देकर के खत्म करेगा, आपको हराने का काम करेगा। झारखंड में एक जनता के उम्मीदों की सरकार बनेगी, झारखंड में एक युवाओं की सरकार बनेगी, जिस सरकार ने अपने चुनावी वायदे में क्या था, हम सरकार में आने के साथ ही 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे, और 5 लाख सरकारी नौकरी नहीं दे पाए
तो 5,000-7,000 बेरोजगारी का भत्ता देंगे और वो भी नहीं कर पाए तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। आज उनको राजनीति से संन्यास लेने देने का काम समय आ गया है। आज युवाओं के लिए नौकरियों को बेचने का काम किया। सीजीएल के अभ्यर्थी आज गली गली दर दर ठोकरे खा रहे हैं। जितनी वैकेंसियां थी उनको खत्म करने का काम किया। आज सरकार बनते ही हम लोगों ने कहा है युवाओं को, साथियों आप लोग परेशान मत हो, सरकार बनेगी, सीजीएल के एग्जाम को रद्द किया जाएगा, सीबीआई जांच किया जाएगा और उसे लोगों को जेल के अंदर में डाला जाएगा। और जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को जो आप प्रेम कर रहे हैं, जो आकर के यहाँ हमारे माटी बेटी रोटी का जो हम पर खतरा उत्पन्न कर रहे हैं, घबराइए मत, सरकार बनते ही उसे बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी चिन्हित करके लात मार के बांग्लादेश भेजेंगे, इसमें तनिक भी संदेह ना करें। भाइयों पानी गिर रहा है, आप भी थोड़ा धीर हो रहे हैं, लेकिन मैं एक शब्द कहकर के अपनी वाणी को विराम दूंगा, बटोगे तो कहीं सूत्रवाक है, आज नहीं तो 20 साल बाद कटोगे, इसलिए बटना नहीं। एक तरफ बांग्लादेशी घुसपैठियों के लोग यहाँ खड़ा होकर के राम के मंदिर का विरोध करते हैं, यहाँ पर पुनरू में दुर्गा पूजा का विसर्जन नहीं होने देना चाहते हैं, कोमी डोवा में सरस्वती पूजा के विसर्जन पे अत्याचार करते हैं, कंचनपुर में मनसा पूजा का अत्याचार करते हैं, चंदहा में हमारे हिंदू भाई का जमीन को लूटने का काम करते हैं। आपकी संख्या बढ़ रही है तो भाई क्या हो जाएगा, आप हमें इस देश में रहने नहीं देंगे क्या? जहां जहां हमारी आबादी घटी है वहां वहां इन लोगों ने हिंदुओं को काटा है। इस बात को हमेशा ध्यान गांठ बांध के रखना। आने वाला चुनाव झारखंड को बचाने का है, आदिवासी दलितों के अस्मिता का, मूलवासियों के अस्मिता को बचाने का है। इसलिए बड़े सावधानी के साथ गांव-गांव जाके, घर घर जाकर के अपने कमल के बटन को मजबूत करिए। इतना ही निवेदन करते हुए कि आने वाले 20 तारीख को अपना बहुमूल्य वोट कमल के निशान पे दबा करके 81 विधानसभा में पहला कमल चंदन क्यारी में खिलाइए। इतना ही आग्रह निवेदन करते हुए आप सब इस चुनावी सभा में आए, नामांकन सभा में आशीर्वाद देने के लिए आए, आप सबका बहुत अभिनंदन, आप सबका बहुत धन्यवाद। बारिश हमें भिगा सकती है, बारिश हमें डिगा नहीं सकती है, संकल्प के साथ कि 2024 के चुनाव में इस अत्याचारी सरकार को जड़ मूल से उखाड़ करके बंगाल के खाड़ी में फेंक देंगे। इस बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रेमी सरकार को, बांग्लादेश के घुसपैठियों से प्रेम करने वाली सरकार को बंगाल की खाड़ी में भेजने के लिए दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ कहें जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की। आदरणीय आज के सभा में हमारे सांसद परम आदरणीय डोलू महतो जी, अपने बिहार के मंत्री और हमारे कलस्टर के प्रभारी श्रीमान नितिन नवीन जी, अपने बगल बोकारो के विधायक प्रत्याशी और अभी विधानसभा में मुख्य सचेतक रहे श्रीमान प्रिंचि नारायण जी, अपने राज्यसभा के सांसद और प्रदेश के महामंत्री श्रीमान प्रदीप वर्मा जी, कालटूदा पुलिया के आप विधायक हैं, भाई विवेकानंद जी, भाई अपने पाड़ा के विधायक जी, ज्योतिर्मय महतो जी, अभी दिन को आपने सुना और मंच पर बैठे सभी प्रबोधगण, जिला अध्यक्ष जी और सभी पांच मंडल के अध्यक्ष चरण जी और सभी लोगों को मेरा अभिनंदन, नमस्कार, आप सबको जोहार। चंदन क्यारी में चुनाव का आगाज हो चुका है, लोग पूछ रहे हैं, माफी के साथ थोड़ा दूर, लोग पूछ रहे हैं कि चंदन क्यारी में हैट्रिक लगेगा क्या? मैंने कहा चंदन क्यारी इतिहास लिखने वाला है। चंदन क्यारी ने जब जब इतिहास लिखा है और झारखंड ने देखा है, चंदन क्यारी में पहली बार लगातार दो बार विधायक भी बनाए हैं, ए भाई, तीसरी बार भी हम लोग भी हैं पीछे, चंदन क्यारी में जीत की हैट्रिक लगेगी और उसी के साथ
एक हार की भी हैट्रिक लगेगी, यह गारंटी के साथ सरकारी मंत्री। आज इंडिया अलायंस का प्रत्याशी कहता है कि चंदन क्यारी में मोदी योगी नहीं चलेगा, चंदन क्यारी में मोदी योगी नहीं चलेगा। भाई ये पाकिस्तान वाले को कहते हैं तो समझ में आता है, बांग्लादेश वाले कहते हैं तो समझ में आता है, लेकिन चंदन क्यारी में अगर कोई चंदन क्यारी के भूख में बैठा हुआ कोई व्यक्ति अगर चंदन क्यारी के धरती पुत्र को, राम भक्तों को, चंदन क्यारी के भैरव बाबा के बच्चों को यह ललकारता है कि चंदन क्यारी में मोदी योगी नहीं चलेगा, तो उनको बता देना है कि घुसपैठियों के प्रेम में इतने पागल मत हो जाओ कि उन घुसपैठियों के साथ तुमको भी गद्दार के रूप में वो बांग्लादेश भेज दिया जाए। कहता है कि चंदन क्यारी में रावण वध होगा। जिस पार्टी को राम के नाम से इतनी चिढ़ होती है कि राम का नाम लेने से ही उनके अतड़ी पकड़ी ढीले होने लगते हैं, जिनको राम के जयकारे से भी जिनको जो है परहेज होता है, जिन्होंने राम को, अपने श्री राम को 500 सालों तक एक टूटे फूटे टेंट पर रहने का जिन्होंने विवश किया है, वो कहता है कि रावण वध करेंगे, रावण वध करेंगे। रावण कौन है पहले समझ लो, रावण कौन है? रावण भी बहुत बड़ा महात्मा था, रावण भी बहुत बड़ा पंडित था, पंडित और ज्ञान में उसका कोई सानी नहीं था, लेकिन रावण में एक ही कमी थी, वो थी अहंकार। रावण का अहंकार ने उसे पराजित किया और आपके अहंकार को फिर चंदन क्यारी पराजित करी। चंदन क्यारी ने आपको मौका दिया था, एक ही बार में आपने वो मौका गवा दिया, दो बार लगातार आपका अहंकार चूर किया है, तीसरी बार आपके साथ साथ इस झारखंड के झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन के अहंकार को भी चंदन क्यारी पट्टी देकर के खत्म करेगा, आपको हराने का काम करेगा। झारखंड में एक जनता के उम्मीदों की सरकार बनेगी, झारखंड में एक युवाओं की सरकार बनेगी। जिस सरकार ने अपने चुनावी वायदे में किया था हम सरकार में आने के साथ ही 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे, और 5 लाख सरकारी नौकरी नहीं दे पाए तो 5,000-7,000 बेरोजगारी का भत्ता देंगे, और वो भी नहीं कर पाए तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। आज उनको राजनीति से संन्यास लेने देने का काम समय आ गया है। आज युवाओं के लिए नौकरियों को बेचने का काम किया, सीजीएल के अभ्यर्थी आज गली गली दर दर ठोकरे खा रहे हैं, जितनी वैकेंसियां थी उनको खत्म करने का काम किया। आज सरकार बनते ही हम लोगों ने कहा है युवाओं को, साथियों आप लोग परेशान मत हो, सरकार बनेगी, सीजीएल के एग्जाम को रद्द किया जाएगा, सीबीआई जांच किया जाएगा और उसे लोगों को जेल के अंदर में डाला जाएगा। और जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को जो आप प्रेम कर रहे हैं, जो आकर के यहाँ हमारे माटी बेटी रोटी का जो हम पर खतरा उत्पन्न कर रहे हैं, घबराइए मत, सरकार बनते ही उसे बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी चिन्हित करके लात मार के बांग्लादेश भेजेंगे, इसमें तनिक भी संदेह ना करिए। भाइयों पानी गिर रहा है, आप भी थोड़ा धीर हो रहे हैं, लेकिन मैं एक शब्द कहकर के अपनी वाणी को विराम दूंगा, बटोगे तो बटोगे तो बटोगे तो यही सूत्रवाक है, आज नहीं तो 20 साल बाद कटोगे, इसलिए बटना नहीं। एक तरफ बांग्लादेशी घुसपैठियों के लोग यहाँ खड़ा होकर के राम के मंदिर का विरोध करते हैं, यहाँ पर कुंडरू में दुर्गा पूजा का विसर्जन नहीं होने देना चाहते हैं, कुमी डोवा में सरस्वती पूजा के विसर्जन पे अत्याचार करते हैं, कंचनपुर में मनसा पूजा का अत्याचार करते हैं, चंदहा में हमारे हिंदू भाई का जमीन को लूटने का काम करते हैं। आपकी संख्या बढ़ रही है तो भाई क्या हो जाएगा, आप हमें इस देश में रहने नहीं देंगे क्या? जहां जहां हमारी आबादी घटी है वहां वहां इन लोगों ने हिंदुओं को काटा है, इस बात को हमेशा ध्यान गांठ बांध के रखना। आने वाला चुनाव झारखंड को बचाने का है, आदिवासी दलितों के अस्मिता का, मूलवासियों के अस्मिता को बचाने का है, इसलिए बड़े सावधानी के साथ
गांव गांव जाके घर घर जाकर के अपने कमल के बटन को मजबूत करिए। इतना ही निवेदन करते हुए कि आने वाले 20 तारीख को अपना बहुमूल्य वोट कमल के निशान पे दबा करके 81 विधानसभा में पहला कमल चंदन क्यारी में खिलाइए। इतना ही आग्रह निवेदन करते हुए आप सब इस चुनावी सभा में आए, नामांकन सभा में आशीर्वाद देने के लिए आए, आप सबका बहुत अभिनंदन, आप सबका बहुत धन्यवाद।